अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रिजवानुल हक सईद फ्राम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हकीम इनकलाब 2.0 यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अद्वियात से मुतल्लिक है, और ख़ास तौर पे जो अद्वियात बहुत ज़्यादा मुस्तामिल है हमारा तरीका इलाज में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अद्वियात बेशुमार अकसाम की होती हैं। कुछ अद्वियात जो होती हैं वो जिस्म के अंदर दौरान खून को हल्का सा तेज़ कर देती हैं, जिससे हमारे अमराज दूर हो जाते हैं। कुछ अद्वियात के अंदर ये कुव्वत और ताकत हल्की दवा से ज़्यादा होती है, और कुछ अद्वियात के अंदर उससे भी ज़्यादा होती है। आज हम इस्तिलाहात पे भी बात करेंगे और अद्वियात पे भी बात करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली इस्तिलाह है जो हम अद्वियात के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसे हम मुहर्रिक कहते हैं, और मुहर्रिक के बाद शदीद का दर्जा आता है। और हम मुहर्रिक ऐसी दवा को कहते हैं जो किसी मुफरिद उज़व के फ़ेल को तेज़ कर दे। ये तेज़ी इस उज़व के फ़ेल में इनकबाज से पैदा कर देने से पैदा होती है। अगर फ़ेल को मामूली तेज़ करे तो दवा मुहर्रिक कहलाती है, और अगर तेज़ी से तहरीक दे तो इसको हम शदीद के दर्जे में रखकर इसका इलाज भी शदीद के दर्जे से करते हैं। इसके बाद जो दर्जा आता है उस दवा को हम मुलैन दर्जा की दवा कहते हैं। इस दवा की ख्वास ये होते हैं कि ऐसी दवा जो मुहर्रिक और शदीद के असर से ज़्यादा तेज़ असर रखती हो, और अपनी तेज़ी की वजह से जिस्म में मौजूद फजलात को या सालेह मादों को उनके एतदाल से ज़्यादा तेज़ी दे, उनके अखराज को या उनके इनकबाज को या उनको हर हालत में जो भी कैफियत उसमें पैदा करनी होती है। इसके बाद जो दवा का दर्जा आता है उस दवा को हम मुसहिल कहते हैं, और वो मुसहिल दवा ऐसी दवा होती है जो मुलैन के अफ़ाल से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसके इस्तेमाल से बाज़ औक़ात पाखाने भी लग जाते हैं, या फिर इसहाल आना शुरू हो जाते हैं, या हमने जो भी रतूबत खारिज करनी होती है उसके अंदर मामूल से ज़्यादा तेज़ी देखने में आती है। इसके बाद जो दर्जा है उस दर्जे को हम तरियाक दर्जा की दवा कहते हैं। तरियाक से मुराद ऐसी दवा होती है जिसके मखसूस असर से जिस्म में मौजूद मखसूस जहर या मखसूस किस्म के असरात बातिल और ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एसिड को जो है बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, ऐसे ही बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है, ऐसे ही जो है अद्वियात के आपस के मिलने से और आपस के अमल तआमुल से एक दवा का असर दूसरी दवा ज़ाइल कर देती है, और इसे ही हम जो है एंटीडोट बोलते हैं, और इसे ही हम जो है जहरों का तरियाक कहते हैं। इसके बाद जिस दवा का दर्जा आता है दर हकीकत वो दवा ग़िज़ाई दर्जे में कहलाती है, और जिस्म के अंदर तकवीत पैदा करती है। ऐसी दवा जो जिस किसी उज़व या खून में ताकत पैदा कर दे और उज़व के मिजाज और साख्त को दुरुस्त कर दे, ऐसी अद्वियात आम तौर पर बिल्कुल खालिस होती हैं। मुकवी दवा हल्के खून या रतूबत को अज़ा की तरफ जज़ब कराती है। हल्के खून या दवा को अज़ा की तरफ जज़ब करवाने का मतलब ये होता है कि हमारे खून के जो बहुत ज़्यादा लतीफ़ और बहुत ज़्यादा मुकवी और बहुत ज़्यादा जाजीब जो ज़र्रात होते हैं, जो असरात होते हैं, उनको ये दवा अज़ा के अंदर इस तरीके से जज़ब करती है कि उन अज़ा को इससे नई ज़िंदगी मिलती है, नशोनुमा मिलती है। इसके बाद जिस दवा का दर्जा आता है उस दवा को हम अक्सीरात में जो है तसव्वुर करते हैं, और अक्सीरात में उसको शामिल करते हैं। ऐसी दवा जिनको रसायन भी कहा जाता है, और ऐसी दवा जिससे जवानी वापस लौट आती है, यानी कि हम इन अक्सीरात के बारे में ये भी अकीदा रखते हैं। अक्सीर दवा जो है उसके अंदर अगर ये तीन असरात मौजूद नहीं हैं तो हम उस दवा को अक्सीर नहीं कहेंगे। जो पहला असर है वो बरकी असर होना चाहिए, यानी कि बिजली की तेज़ी जैसी तेज़ी उस दवा के अंदर होनी चाहिए। अगर वो दवा फौरी बिजली के झटके की तरह से असर नहीं करती जिस्म में, तो अक्सीर के दर्जे से निकाल दिया जाएगा उस दवा को, और अगर उसके अंदर ये असर मौजूद है तो हम उसको अक्सीर में शामिल करेंगे।
दूसरा असर ये होता है कि दवा खाते ही वो जिस्म के अंदर जज़ब हो जाए, फुजलात में तब्दील ना हो और वो जिस्म में जाके रुक ना जाए, बल्कि जिस्म के अंदर जाके मुकम्मल तौर पर 100% वो जिस्म के अंदर जो है जज़ब हो जाए। ऐसी दवा के इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ पाई जानी चाहिए वो दायमी असर है, यानी कि अगर आपने जो मेडिसिन खाई है उसका असर आपको फौरी पहुंचा है, फौरी फ़ायदा हुआ है, तो हम इस दवा को अक्सर में ले सकते हैं। लेकिन अगर उसका असर ज़ायल हो जाता है कुछ दिन बाद ज़ायल हो जाता है तो हम इसको अक्सरात में शामिल नहीं करेंगे। अक्सर दवा की ही ये खासियत है कि उसका असर दायमी होता है और उसका असर देर पा होता है और बहुत अर्ज़ा दराज तक जिस्म में उसका असर मौजूद रहता है, जब तक कि उसके मुखालिफ अक्सर इस्तेमाल ना करवा ली जाए उसका असर जिस्म में कायम और दायम रहता है। इसीलिए हम हुकमाए कराम इस पर बहुत ज़ोर देते हैं कि ऐसी दवा को इस्तेमाल करवाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लिया जाए, क्योंकि अगर गलत अक्सर इस्तेमाल करवा दी गई तो उसका असर भी दायमी रहेगा और उसका बातिल असर जो है ज़ायल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसी तरह से अगर दुरुस्त अक्सर इस्तेमाल की गई है तो उसका फ़ायदा भी बहुत अरसे तक रहेगा। तो इसलिए अक्सर की दवा को हर तबीब इस्तेमाल नहीं करवा सकता, इसके लिए तबीब का हाजिक होना, समझदार होना, काबिल होना और अरसा दराज का तजर्बा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही वो तबीब जो है वो अक्सर दर्जा की दवा को इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा बदरका जात का भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी अक्सरात के अंदर और उनके असरात को तब्दील करने के लिए, या उनके असर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या फिर उनके असर को किसी दूसरे उज़्र तक ले कर जाने के लिए हम बदरका जात का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा यही मौजू था कि हम अद्वियात के दराजात के बारे में, उनकी इस्तलाहात के बारे में और उनकी कैफियत और असरात के बारे में मुख्तसर तारुफ आपको दे दें। इस पर मज़ीद भी इंशाअल्लाह मौजूआत और तिब्बी मुबाहिसे चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के इलम को बढ़ाने में एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा ये इल्मी सिलसिला चलता रहे और जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो मरीज़ हजरात हैं उनके लिए ऐसा सबब और कारे खैर बनता रहे कि वो अपने दुखों से, अपनी तकलीफ़ों से निजात हासिल कर सकें और इसका अजर हम सबको मिले। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलाम।